click. The model is stored here. Case number 2. Arrow point number 2. Simply, right? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लिखो रेम्यूनरेशन, राइट, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, कौन है स्पाउस? हस्बैंड और वाइफ, पार्टनर, हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी स्पाउस हो गई और वाइफ के लिए हस्बैंड उसका स्पाउस हो गया. अब बड़े ध्यान से समझना, रेम्यूनरेशन को ये समझो ये कहीं ना कहीं उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट है. कौन सा बेनिफिट है? मॉनेटरी बेनिफिट. अब कहानी क्या है? कहानी है कुछ इस तरीके से, और मेरे साथ साथ समझो इसको. देखो मैडम, करो, ये है मिस्टर राज, कौन है, और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में, या सिंपली मैं बोलूँगी जिस किसमें कंपनी में काम करते हैं, वहां पर इनकी बहुत ही क्या है मैडम, मैडम रिस्पेक्ट से बात नहीं बनती ना. अच्छा, हाई पोजीशन है, हाई पोस्ट है, ये कह लो आप. बहुत ही क्लासी बंदे हैं राज, ठीक है ना, बहुत हाई पोजीशन कैरी करते हैं कंपनी के अंदर, और इनके पास बहुत पावर है मैडम, धासु बंदे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक शक्तिमान, वेरी पावरफुल पर्सन, राइट. अब इतनी पावर पोजेस करते हैं कि राज अभी तो सिंगल थे लाइफ में, लेकिन एक दिन ऐसा समय सबकी जिंदगी में आता है कि लाइफ विल बी जिंगल, राइट, एंड दैट स्टेज विल बी शादी. राज को मिल गई उसकी कौन, मैडम राज को कौन मिलती है, राज को मिल गई सिमरन, राइट, राज को मिल गई सिमरन, राज को मिल गई सिमरन. अब राज तो बहुत बढ़िया बंदा है, कंपनी में इतनी हाई पोजीशन कैरी करता है, लेकिन जो सिमरन है मैडम, प्यार तो आप जानते हो कैसा होता है ना, ये देखो ये आंखें है ना मैडम, ये आंखें किसी काम की नहीं रह जाती, ये देखो स्यापा हो गया, देखो प्यार अंधा होता है, खुद इतना पढ़ा लिखा बंदा सब बेड़ा गर्क कर दिया है प्यार के चक्कर में, हाँ की ना, लेकिन कह रहे शादी तो किससे करूंगा, सिमरन से. मैडम जब आपको पता ना प्यार होता है तो उनको समझ में नहीं आता, इसे राज को समझ में नहीं आया, राज कह रहा है शादी करूंगा तो सिमरन से, नहीं तो जिंदगी भर कवारा रहूंगा. शादी हो गई मैडम, अब राज, हाँ मैडम, नहीं नहीं मैं भी एग्जांपल लेता हूँ, तो अब सिमरन और राज साथ में रह रहे हैं, हाँ कि ना. अब राज डेली सुबह ऑफिस जाता है, सिमरन उसका खाना पैक करती है, ठीक है ना, हाउस वाइफ है बहुत अच्छी से, लेकिन वो कहती है राज, राज आप आते हो घर में रात को कितने बजे तक, और मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, कितना ही व्हाट्सएप यूज कर लूँ यार तू बता तो सही, कितना ही म्यूजिकली पे वीडियो अपलोड कर लूँ यार तू बता तो सही, मैं बोर हो जाती हूँ, राज राज आप प्लीज मेरे को अपने साथ अपनी कंपनी ले चला करो. राज ने बोला ठीक है मैं तेरे को अपनी कंपनी में क्या ले क्या चलता हूँ, ऐसा कर तू चल ले, तेरी छोटी सी मैं नौकरी लगवा देता हूँ, तू वहीं काम भी कर ले. उसने बोला ऐसा हो सकता है? राज कह रहा है आई हैव गॉट ऑल दी पावर, मेरे पास तो इतनी ज्यादा पावर है कि तू चल तो सही बस सिमरन. ये देखो सिमरन को वो कहां पर लेके आ गया मैडम, सिमरन को वो, ये नया कलर यूज करते हैं हम लोग, सिमरन को कहां लेके आ गया मैडम, अपने ही ऑफिस में लेके आ गया. अब सिमरन को उसने अपॉइंट भी कर दिया, खुद के पास ही इतनी पावर है किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसने सिमरन को क्या करा दिया उस ऑफिस में, अपनी कंपनी में क्या करा दिया, और कहा कि ठीक है सिमरन तू 10 बजे आ जाए कर, 11 बजे आ जाए कर बल्कि, और 3 बजे चली जाए कर, 11 बजे आके 3 बजे चली जाए कर, और मैं तेरे को कितने रुपीस दूंगा पर मंथ के, मान ले तेरी सैलरी भी फिक्स कर दी उसने उसकी पर मंथ 20,000. वो कह रही है बहुत बढ़िया पति सामने होते हैं, वाओ कितनी लाइफ कितनी अच्छी हो गई. लेकिन मैडम डिपार्टमेंट ने यहाँ पर चाल समझ ली है, यहाँ पर एक्चुअली सिमरन के पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, कोई स्किल्स, कोई टेक्निकल नॉलेज उसके पास तो सर कुछ भी नहीं है, वो इस नौकरी या कह लो इस अपॉइंटमेंट को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती.
तो डिपार्टमेंट को पता चल गई ये वाली बात, डिपार्टमेंट ने बोला लोहित सॉरी राज ये तूने क्या करा है भाई, सिमरन को किस किस हक से तूने इस पोस्ट पे बिठा दिया और किस हक से तू उसे क्या पे करता है, वो तो ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, ना स्किल्स है, ना कोई टेक्निकल नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है, तो तू ये कर क्या रहा है, जरा हमें तो समझा। डिपार्टमेंट मैडम यहां पर राज की चाल समझ गई है, आप समझे कि नहीं समझे, राज को खुद को मिलती थी सैलरी मैडम मान लो कितनी 1 lakh पर मंथ राइट, कितना मिलती थी, तो उसका साल का कितना बनता होगा मैडम रुपीज 12 lakhs, और कौन से स्लैम में आते हैं 12 lakh जो कमाते हैं, अबव 10 lakh पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है मैडम, एट द रेट ऑफ 30%, हाँ कि ना। राज ने बोला मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं 30% से किस पर आ जाऊं, तो उसने अपनी ही इनकम में से मैडम अपनी 1 lakh पर मंथ की इनकम में से 20,000 बाइफरकेट कर दिए किसके हैंड्स में, अपनी सिमरन के हाथ में, अपनी स्पाउस के हैंड्स में, ताकि उसकी इनकम अब 1 lakh नहीं बल्कि सिर्फ कितनी दिखे मैडम 80,000 इंटू 12 अगर मैं करूं तो मैडम इट विल बी 9,60,000 विच इज लेस देन रुपीज 10 lakhs। अब उन्हें सिर्फ कितने पर ही टैक्स देना पड़ेगा 20% पे, तो मैडम प्लानिंग कॉट हो गई और डिपार्टमेंट को पता चल गया राज तो चालू बंद है, राज तो चालू बंद है, तो वो तो बस अपनी इनकम को बाइफरकेट कर रहा है ताकि उसकी इनकम लोअर हो जाए, ताकि उसे टैक्स भी कम रेट के हिसाब से पे करना पड़े, हाँ कि ना। तो डिपार्टमेंट कह रही है भाई ये 20,000 की जो पर मंथ की इनकम है, अच्छा इस 20,000 को साल से जोड़ो तो कितना बनेगा, और वैसे भी जब ये इनकम सिमरन के हैंड्स में गई है कितनी इनकम गई है 2,40,000, और आप तो जानते हो इंडिविजुअल को 2.5 lakh तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना होता, तो खुद बताओ ये 2,40,000 की जो इनकम उसने शिफ्ट करी है सिमरन के हैंड्स में, उसको ऑलरेडी उस पर वैसे कोई टैक्स नहीं देना था, तो डिपार्टमेंट कह रही है इससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगी, सिमरन जो कि इस केस में कौन है ट्रांसफरी है, कौन है हम जिसको अपनी इनकम ट्रांसफर करते हैं मैडम वो बन जाती है ट्रांसफरी, और जो बंदा इस इनकम को ट्रांसफर करता है जो कि कौन था यहाँ पर राज, वो कौन है मैडम ट्रांसफर, तो डिपार्टमेंट वापस से, अच्छा ये इनकम थी किसकी, ये जो अलग से 2,40,000 है वो भी इनकम है किसकी, राज की ही है, राज ने तो बस अपनी इनकम को 1 lakh से 80,000 कर दिए और 20,000 अपनी स्पाउस के नाम कर दिए जो कि वो डिजर्व भी नहीं करती थी, तो डिपार्टमेंट ट्रांसफरी से इनकम लेके मतलब सिमरन से इनकम लेके उसी के हैंड्स में जोड़ देगा जिसकी वो इनकम है, मतलब राज के हैंड्स में इनकम क्लब सर हो जाएगी, हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा करूं और मैं ये बोलूं कि जो सिमरन है उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छे हैं मैडम, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, तब मैडम वो इनकम किसकी ही होगी, सिमरन की, और उसके केस में क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। सर मैं समझ गई आपकी सारी की सारी कहानी, so that means कि अगर सिमरन के पास सारी क्वालिफिकेशन हाँ, then she deserves the job, हाँ, बस उस केस में क्लबिंग चाहे एक हेल्प से आई है लेकिन वो डिजर्व करती है वो जॉब और उसी की वो इनकम होगी अगर उसके पास क्वालिफिकेशन होती तो, लेकिन यहाँ तो साफ साफ है उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता, बस यहाँ पर तो पति बस अपनी पावर का पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, और उस पावर के लिए मैडम वी यूज द टर्म, अभी तक तो मैं बहुत लेमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, पावर के लिए वी यूज द वर्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसका मतलब यहां पर राज के पास कौन सा इंटरेस्ट है, हाई पावर जो मैंने बोली है कि कह लो बहुत अच्छी उसकी पोजीशन है, उसको हम बोलेंगे राज पोजेस अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इज नथिंग बट पावर, नेम इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कंपनी के केस में अगर किसी बंदे के पास 20% और मोर वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ठीक है, और अगर वो फर्म में है तो 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट्स होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब माना जाएगा अगर एक पर्सन के पास अगर वो कंपनी में काम करता है तो 20% और मोर वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और अगर वो किसी फर्म में है तो 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट्स होने चाहिए, अगर ऐसा स्टेटस है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और बस अब इतनी बड़ी पावर है तो बस वो किसी सिमरन को क्या वो किसी को भी लगा सकता था, हाँ कि ना। तो ये कहानी है मैडम एक हिसाब से, ये टैक्स कहानी तो है पूरी की पूरी, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, पक्का एकदम बढ़िया।